वेलकम टू स्पोर्ट्स अरिना साथियों, वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिएगा। गाइज, इंपॉर्टेंट खबर है। खबर ये है कि BCCI ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी WTC के फाइनल और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, 20 सदस्यीय टीम में यानी 20 मेंबर वाली इस टीम में स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की वापसी हुई है। वहीं हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव टीम में जगह बनाने में नाकाम रहे। जी हाँ दोस्तों, अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराने वाले KL राहुल और कोरोना संक्रमित रिद्धिमान साहा को टीम में रखा गया है, बशर्ते वे पूरी तरह फिट हो जाएं। स्क्वाड में 4 ओपनर्स, 4 मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज, 6 पेसर्स, 4 स्पिनर्स और 2 विकेट कीपर्स को जगह दी गई है। BCCI की सीनियर सिलेक्शन कमेटी ने शुक्रवार को टीम की घोषणा की। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल साउथहैम्पटन में 18 से 22 जून तक होगा और इसके बाद 4 अगस्त से 14 सितंबर के बीच भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत नॉटिंगम में 4 अगस्त से होगी। दूसरा टेस्ट मैच 12 अगस्त को लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेला जाएगा। तीसरा टेस्ट मैच 25 अगस्त को लीड्स में होगा। चौथा टेस्ट लंदन के ओवल ग्राउंड में 2 सितंबर से होगा। पांचवा और आखिरी टेस्ट मैनचेस्टर में 10 सितंबर से होगा। साथियों, जिन 20 खिलाड़ियों का सिलेक्शन हुआ है उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। विराट कोहली कप्तान, अजिंक्य रहाणे उप कप्तान, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा, हनुमा बिहारी, ऋषभ पंत, आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, ईशान शर्मा, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी, शार्दुल ठाकुर और उमेश यादव। साथियों, उन खिलाड़ियों को फिट होने पर जगह मिलेगी, उनके नाम है KL राहुल और रिद्धिमान साहा। स्टैंड बाई खिलाड़ी हैं अभिमन्यु ईश्वरन, प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान और अरजान नागवासवाला। तो साथियों, इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप हमें अपनी राय जरूर दे सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। फॉर मोर वीडियोज़ स्टे कनेक्टेड।